Well, guys, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. You are in seventh heaven. You are on cloud nine. You are on the top of the world. I mean to say, your life is a bed of roses. जी बिल्कुल, आशा और उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे. और इफ आई एम ऑडिबल प्रॉपरली देन डू लेट मी नो, आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोना स्टार्ट माय सेशन. जी बिल्कुल, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप मुझे बताइएगा. चलिए चलिए चलिए, आवाज मेरी आई एम ऑडिबल प्रॉपरली, आई हैव सिंपली कम टू नो राइट नाउ. सो वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट आवर सेशन. एज यू नो, इट इज ऑल अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर सीटेट, एचटेट, एनडीए, सीजीएल, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स से जो हमारे चुनिंदा वर्ड्स हैं वो मैं लेकर के आया हूँ, और आपको ऐसे मिलेंगे अराउंड 40 वर्ड्स. जी बिल्कुल, हम लोग सीखने वाले हैं, सिर्फ 10 सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखेंगे, 40 वर्ड्स विल बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. और हम लोग शुरू करने वाले हैं. जी बिल्कुल, शुरुआत करने वाले हैं. और पहला जो मेरा सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है. एक बार थोड़े से ध्यान से देखिएगा. वन हु डिस्ट्रॉयज समबडीज प्रॉपर्टी नीडलेसली, यानी कि उसको कोई जरूरत नहीं है फिर भी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रॉय करता है, डिमोलिश करता है, तबाह करता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, बताइएगा आप. फोर ऑप्शंस आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पर फोर ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा. जी बिल्कुल, बताइएगा मुझे फटाफट. एक बार आप अपना जवाब लगा दीजिएगा, उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं. फॉर द टाइमिंग यू नीड टू डू वन थिंग. जो अभी ये लिंक आपको मिला है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर लीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार चेक करिएगा. और आज हमारा जो रिजल्ट हमें मिला है, डेफिनेटली रिजल्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो प्रिंसिपिटिया यहाँ पर है, प्रिंसिपिटिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 95% मार्क्स मिले हैं. बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत ही गर्व से इससे ऊंचा कर दिया आपने हम सब का, एसयूएम फैमिली को, और मुझे बिल्कुल नाज है आपके ऊपर. बहुत ही बढ़िया आप लोगों का रिजल्ट आया है. और मेरे स्टूडेंट्स में से कोडा क्लासेस में एक्चुअली मैं इंग्लिश टीच करता हूं, तो वहां पर जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके हाईएस्ट जो मार्क्स आए हैं वो 97 या 98 हैं, कंफर्म नहीं हूं 7 है या 8 हैं, वो कल मुझे पता लग जाएगा, तो आप मुझे भी कंग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं. जी बिल्कुल. और 9th, 10th, 11th और 12th का सिलेबस हम लोगों ने तैयार कर लिया है कि हाउ टू गेट 100% मार्क्स. जी बिल्कुल, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग. लेकिन आप लोगों ने, चलिए, अभी तक क्वेश्चन नहीं लगाया है, क्योंकि आज अभी हर कोई एक दूसरे के मार्क्स जानने के बारे में. आई पास में 12th. जी बिल्कुल प्रिंसिप बेटे, बहुत ही बढ़िया है. तो एक बार आप आंसर लगाना शुरू करिएगा, तब तक मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ. योगेश ढाका, आपका स्वागत है, वेलकम डियर. विधि अलावत, आपका स्वागत है. और पूनम, वेलकम. रविंद्र चहल, यानी कि राखी, व्हाट्सअप, कूल डियर, आई होप यू आर ऑल्सो कीपिंग वेल. और भारती, भारती बेटे आपका स्वागत है, गुड इवनिंग. मनोज, गुड इवनिंग, आई होप यू आर कीपिंग वेल. And I'm also keeping well. Ajay Jangda, यानी कि जिया, जिया बेटे आपका स्वागत है, गुड इवनिंग. संजय ढिलो इज देयर. गुरचंद मैम आपका स्वागत है, बिल्कुल जी बिल्कुल. रमेश लाकरा इज देयर, हेलो सर, हाई डियर, हाउ आर यू फीलिंग टुडे. सुमन बलारा, यानी कि दिशा, दिशा आपका स्वागत है. और डेफिनेटली 10th वाले किसी बच्चे का अगर आपके पास कॉन्टेक्ट है तो मेरे पास भेज दीजिएगा. डेफिनेटली वंश मलिक, वंश गुड इवनिंग. प्रिंसी, और चलिए चलिए, आप लोगों ने आई थिंक सो, रोमन रिंस इज देयर, हे गुड इवनिंग. उपेंद्र, आई होप यू आर कीपिंग वेल. बिल्कुल, चलिए एक बार आप लोग यहां पर जवाब भी लगा लीजिएगा. अगर एक दूसरे के मार्क्स पूछना पूरा हो गया है तो देख लीजिएगा एक बार. वन हु डिस्ट्रॉयज समबडीज प्रॉपर्टी नीडलेसली, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है फिर भी किसी और की प्रॉपर्टी वो डिमोलिश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? जी हाँ, वेंडल, एक्टिविस्ट, टेररिस्ट या विजार्ड. यहां पर फोर ऑप्शंस आर राइट हियर. सो एक बार फटाफट बताइएगा. लेकिन देखिए, टू माय अमेजमेंट, अभी तक प्रिंसिप बट मेरा क्या होगा, अरे बेटे तन्नू अच्छा किया होगा तो आपका ही बेड़ा पार होगा. जी बिल्कुल. और कहते हैं वो एक बच्चे से पूछते हैं ना, उसके बापू की बेटा पेपर कैसा रहा, और बेटा बोलता है कि बापू बिल्कुल लठ गाड़ दिया, और फिर बापू कहता है बेटा लठ गाड़ तो दिया, देखना कहीं रिजल्ट आए और ये लठ है जो ये उखड़े ही ना, तो ऐसा लठ भी मत गाड़ना. और अगर आपकी बातचीत पूरी हो गई है तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर लगा लीजिएगा. बिल्कुल, ए आप लोगों ने लगा दिया है और वेंडोल आपने लिख दिया है. डेफिनेटली रमेश लागड़ा, लक्ष्य ढाका, और लक्ष्य ढाका ने दो बार जवाब दिया एक्चुअली. बाकी लोग मिसिंग दोज क्लासेस इन ऋषिकुल, डेफिनेटली उपेंद्र, आई एम ऑल्सो मिसिंग डेफिनेटली. लेकिन कोई बात नहीं है, मिलते रहेंगे डियर, मिलते रहेंगे. सेजल, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है.
एक ऑप्शन आपने लगाया है वेंडोल, यानी कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेंडोल इज द राइट आंसर। एक्टिविस्ट मैंने आपको बताया था एज अ सिटीजन, क्या एज अ सिटीजन जो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और कुछ चेंज के लिए काम करता है उसको बोलते हैं जी एक्टिविस्ट। टेररिस्ट हर किसी को पता है ना, जिनके ऊपर नेताओं का हाथ होता है। चलिए चलिए, विजार्ड क्या होता है, जादूगर होता है। क्या विजार्ड जादूगर होता है, वही नेता लोग जिनका जिनके ऊपर हाथ होता है वो टेररिस्ट कहलाते हैं। और जब नेता लोगों को ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है तो वो उसका काम तमाम करवा देते हैं। खैर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लव यू टू उपेंद्र, लव यू टू, बिल्कुल। ट्वेल्थ में हो और स्कूल क्लोज है कोई बात नहीं है, इलेवेंथ ट्वेल्थ नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस हमने तैयार कर लिया है, आप चिंता ना करें, यहीं पर ऑनलाइन क्लासेस होंगी डेफिनेटली। तो हर्ष जाखड़ आपका स्वागत है डियर। चलिए तो भाई विजार्ड जादूगर होता है, टेररिस्ट आपको बता दिया, एक्टिविस्ट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिक्स में, झंडा उठा करके जो चलता है और एक चेंज की वो इच्छा रखता है, वेंडोल जो दूसरों की प्रॉपर्टी नीडलेसली डिस्ट्रॉय करता है, बिल्कुल वही कहलाता है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर तीन लिखा गया है, आई स्टिल फील टू अंडरस्टैंड, इसका नंबर गलत है एक्चुअली। चलिए वीमेन, देखिएगा भाई डब्ल्यू ओ एम ए एन हो तो वुमन बोला जाता है बेटा, डब्ल्यू ओ एम ई एन हो तो इसको वीमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीमेन बोला जाता है। वीमेन हु इज इन चार्ज ऑफ नर्सिंग एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट इन अ हॉस्पिटल, तो यहां पर तो वुमन ही आना था। चलिए भाई एक वुमन जो इंचार्ज है, कहां पर इंचार्ज है, नर्सिंग के लिए एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट इन अ हॉस्पिटल, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था। बिल्कुल जी बिल्कुल, फोर ऑप्शंस आर राइट हियर, मैट्रन है, नर्स है, सुपरिटेंडेंट है और इंचार्ज है। तो फटाफट एक बार जवाब लगा दीजिएगा। चलिए मैं अपने 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 कॉमेंट्स को रिफ्रेश कर लेता हूं, एक बार देखते हैं सबसे पहले और सही जवाब कौन लगाता है। बिल्कुल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुझे भी बोलना चाहिए बिकॉज मैंने भी जो टॉप है वो 97 या 98 दिया है ट्वेल्थ का, बिल्कुल अभी टेंथ की तो हम वेट कर रहे हैं, तो 97 या 98 हमने भी दिया है, तो आप हमें भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। और सेम पैटर्न अभी हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, सारे बच्चों को दिया जाएगा, यानी कि इंग्लिश होगी बिल्कुल केक वॉक, अ पीस ऑफ केक फॉर ईच एंड एवरीबडी हु इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th, 10th, 11th एंड 12th। जी बिल्कुल, दिशा भी साथ में सुन रही होगी, तो दिशा बता देता हूं 10th का सिलेबस भी लगभग तैयार होने वाला है और हम लोग जिक्र कर देंगे कि कब उसको दिया जाएगा। आपने तो ए लगा दिया है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है। दिशा ने ही सबसे पहला जवाब लगाया है, फिर साहिल मलिक, रमेश लागड़ा, समीर, बिजेंद्र सोनी यानी तनु, लक्ष्य ढाका, सीमा जांगड़ा, यहाँ पर दीक्षा और शुभम आ गए हैं, आई थिंक सो, आपका स्वागत है बेटा। और मनोज, लक्ष्य ढाका एंड संदीप जांगड़ा, मैट्रन इज द राइट आंसर, डेफिनेटली मैट्रन बिल्कुल सही हमारा जवाब है, जो कि इंचार्ज होती है ऑफ नर्सिंग या वो अटेंडेंट होती है, बिल्कुल अटेंडेंट होती है वो, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट करने के लिए किसी हॉस्पिटल में वो अटेंडेंट होती है, तो मैट्रन बोला जाता है। मैट्रन एक्चुअली होती क्या है, जो मैच्योर्ड या एल्डरली वुमन होती है, मैच्योर्ड या एल्डरली वुमन भी बोला जाता है इसको। बिल्कुल, नर्स अपनी सेविका होती है, सुपरिटेंडेंट आप समझते हैं, और इंचार्ज जो किसी काम का चार्ज जिसके ऊपर होता है, यानी कि जो उस काम का चार्ज अपने हाथ में ले लेती है वो इंचार्ज बन जाती है। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जवाब है, टेंथ में सर नेहा करेगी टॉप, आई एम श्योर अबाउट इट। हाँ बिल्कुल, नेहा बड़ी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है भाई। आदित्य वन इज देयर, तो आई होप सो, ये हमारे अजय दुबे सर हैं, या अजय दुबे सर हैं तो एक बार बताइएगा, आपका स्वागत है डियर। बिल्कुल, यहां पर ईशान बैठे हैं या तेजस्वी बैठे हैं, एक बार बताइएगा, बताइएगा मुझे डेफिनेटली। कोटा क्लासेस ने भी इतिहास रच दिया है, परचम लहरा दिया है, 97 या 98 लिया है टॉप, जो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर सुजीत कुमार जी हैं, यहाँ पर ईशान बैठे हैं या तेजस्वी, आप मुझे बताइएगा जरूर, और आपका स्वागत है। तो मैट्रन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, वो नंबर टू था लेकिन ये नंबर थ्री है। आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, आर्टिफिशियल सेंटर की बात कर रहा हूं और इसको आर्टिफिशियल नहीं बोला जाता है बेटा, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। जी बिल्कुल, थर्ड का सी आपने लगा दिया है, वंश मलिक बेटे थोड़ा सा जल्दी नहीं कर दिया है, यहां पर आर्टिफिशियल लिखा गया है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, जो हाइव होता है वो तो नेचुरल होता है भाई, यहां पर आर्टिफिशियल लिखा गया है। विकास जांगड़ा भाई आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, गुड इवनिंग। योगेश शर्मा इज देयर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है, वेलकम।
सुजीत कुमार भाई साहब आपका नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए चलिए प्रिंस बेटा, थैंक यू, पूरा हो गया है तो एक बार जवाब लगाइएगा। आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज, यहां पर देखिएगा, नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल सेंटर जो कि बनाए जाते हैं हनी बीज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। यहां पर फोर ऑप्शंस आर राइट हियर, आपकी स्क्रीन पर फोर ऑप्शंस हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जी बिल्कुल, रेजर्वोर बोला जाता है, जो पहला हमारा वर्ड है, पहला ऑप्शन है, रेजर्वोर बोला जाता है। आप लोगों ने जवाब लगाना शुरू कर दिया है, दैट्स ग्रेट, लेकिन देखना यह है कि क्या यह सही है। जो सेकेंड ऑप्शन आपने लगाया है वो एवेरियर अवियरी बोला जाता है, लेकिन अवियरी जो होता है ये बर्ड्स रखने के लिए होता है, तो इसका मतलब बी या सेकंड इज बिल्कुल गलत जवाब। सर मुझे तो लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ डेफिनेटली तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं यार, पढ़ना पढ़ाना अपना काम है, चलते रहिए चलते रहिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन लगाया है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, माफ करिएगा, बिल्कुल गलत है सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यानी कि यहां पर अगर हाइव की बात करूं तो ये नेचुरल छत्ते होते हैं, नेचुरल जो छत्ता बोला जाता है अपना, मधुमक्खियों का छत्ता बोला जाता है। बिहाइव करके किताब है अपने 9th में, है ना, बिहाइव करके किताब है। जी बिल्कुल, तो यहां पर जो एपियरी है वो बिल्कुल सही जवाब है, एपियरी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डियर्स। डेफिनेटली हाइव नेचुरल होता है, एपियरी हमारा आर्टिफिशियल होता है, बना बनाया। एपियरी जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं, और जो आपका रेजर्वोर होता है वो सिंपली स्टोर होता है, कोई भी सामान रखने के लिए स्टोर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर थर्ड का जो ऑप्शन फोर्थ है उसको लॉक कर दी। अरे यार योगेश, मैं फोर्थ बोला है यार, फोर्थ बोला है, आप लोगों ने थर्ड लगाया है अभी भी। हाँ बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं भाई, डेफिनेटली हम लोगों ने इतिहास रचा है, मेरी एसवीएम फैमिली ने भी इतिहास रचा है, और कोटा फैमिली ने भी इतिहास रचा है। डेफिनेटली बिल्कुल पैर जमीन पर है ही नहीं। चलिए डियर्स, फोर्थ ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गया, फोर्थ जो मेरा क्वेश्चन है, माफ करिएगा, पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, यानी कि किसी की प्रेज में आपने पूरा आर्टिकल लिख दिया है, उसको क्या बोला जाता है। बिल्कुल आप बताइएगा, यहां पर फोर ऑप्शन आर राइट हियर। बिल्कुल फेनेजीरिक, फेनेजीरिक हमारा पहला ऑप्शन है, इसको फेनेजीरिक बोला जाता है, और लेटर, लेटर आप लोग समझते ही हैं, ऐसे ऐसे भी आप समझते हैं, फिक्शन फोर्थ ऑप्शन है। तो एक बार आप जवाब लगा लीजिएगा, आपका स्वागत है गुरुचंद मैम, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा, यहां पर आप लोगों ने जवाब लगाना शुरू कर दिया है। साहिल मलिक ने डी लिखा है, लक्ष्य ढाका ने डी लिखा है, योगेश शर्मा डी, और समीर भी डी लिखते हैं। माई गॉड, इसी के साथ मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आई गेव माई वर्ड्स कि अब वो बच्चों वाले सेशंस नहीं होंगे, ये आपको टफ वाले सेशंस मिलेंगे, और आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन आपने फिक्शन लगाया है बेटा, ये बिल्कुल गलत है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कुशाल आपका स्वागत है बेटे, फोर्थ ऑप्शन तो भाई बिल्कुल गलत हो गया है। फिक्शन क्या होती है, फिक्शन जो होती है वो इमेजिनेटिव राइटिंग होती है। फिक्शन नहीं सुना है कोई भी आपने, दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, कोई भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, नाटक शुरू होता है, तो वहां पर लिखा नहीं आता है, ये इमेजिनेटिव राइटिंग है, यानी कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, अगर होगा तो ये मात्र एक संयोग बोला जाएगा। नहीं पढ़ा क्या, नहीं सुना क्या, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लेटर हमारा क्या होता है, प्रार्थना पत्र होता है लेटर, और जो एसे होता है वो हमारा प्रस्ताव होता है, जबकि फेनेजीरिक है ये बिल्कुल सही जवाब है। ये एक ऐसी राइटिंग होती है, ऐसा हमारी पीस ऑफ राइटिंग होती है जो बिल्कुल प्रेज यानी कि प्रशंसा के पुलिंदे बांध देती है किसी के लिए बोला जाता है। जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर मुख्य अतिथि आए हैं, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं, और कोई भी जो वहां पर एंकर लोग हैं, तो वो उनके बारे में कसीदे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फेनेजीरिक। बिल्कुल उसको फेनेजीरिक बोला जाता है, जो वो कि भाई आपने ये किया, उसके बाद ये किया, फिर ये किया, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपने मानवता के लिए इतना काम करा, उसी को फेनेजीरिक बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेटे। बिल्कुल योगेश शर्मा सर, आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टोटल 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि 40 आपको नए वर्ड्स सिखाऊंगा, साथ में फिर जो ऑन स्क्रीन टेस्ट होगा मेरे बच्चे, वो हमारे पीछे वाले सेट्स का होगा, यानी कि ऐसा ना हो कि आगे आगे तो हम लोग याद करते जा रहे हैं और पीछे वाला साफ होता जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि जो मैं आपका ऑन स्क्रीन टेस्ट लूंगा वो हमारे पीछे वाले सेट्स होंगे, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ में पानी वानी लेकर के बैठिएगा, डेफिनेटली आपने ऑप्शन ए सही लगा दिया था।
यहां पर है वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, फिजिकली जो ट्रेवल करता है स्पेस में। ये तो बिल्कुल आसान है यार, इट्स अ पीस ऑफ केक। कम ऑन, अगर ये भी गलत आपने लगा दिया तो फिर मैं ये मान लूंगा कि पढ़ाई में आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। चलिए बिल्कुल फिफ्थ का ए, क्या बात है क्या बात है, जियो जियो जियो, दैट्स ग्रेट। अभी कोई सिस्टम हम लोग ऐसा तैयार करेंगे जहां पर पोल क्रिएट की जाएगी, आप लोग यहां पर पोल करेंगे और पोल भाई इतने परसेंट लोगों ने डी बोला है, इतने परसेंट लोगों ने ए बोला है, कुछ ऐसा सिस्टम भी किया जाएगा डेफिनेटली। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू एस्ट्रोनॉट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है एस्ट्रोनॉट डेफिनेटली। रिसिपिएंट तो भाई प्राप्त करता होता है, जो कोई चीज रिसीव करता है बिल्कुल। मिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो मिस्टिक क्या होता है, मिस्टीरियस होता है, बिल्कुल रहस्यमय होता है या अजीब होता है, बिजारे होता है। बिजारे शब्द हमने बाजार से याद करा था कि बाजार में हमें अजीब अजीब विचित्र प्राणी मिलते हैं जी बिल्कुल। और जो पैट्रियट, इसको पैट्रियट मत बोलिएगा, ये बोला जाएगा क्या, पैट्रियट बोला जाएगा। और पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, क्या होता है देशभक्त, पैट्रियट का मतलब होता है जी बिल्कुल। यानी कि जो फिफ्थ फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है डेफिनेटली। हिंदी में गरीब मत हुआ करो भाई, हिंदी में गरीब मत हुआ करो, बिल्कुल जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, किसी लेटर में सिग्नेचर जो हो जाते हैं उसके बाद में कुछ अगर जोड़ा जाता है, अडेंडम भी बोला जाता है इसको, हाँ जी अडेंडम भी इसको बोला जाता है, तो बताइएगा इसको क्या बोला जाता है। आपके स्क्रीन पर फोर ऑप्शंस हैं एज यूजुअल, लेकिन अडेंडम इनमें से किसका जवाब है बताइएगा। बताइएगा बताइएगा, पोस्ट स्क्रिप्ट इज देयर, पोस्टेरिटी इज देयर, क्रिजेंडम इज देयर एंड पोस्ट डिक्शन इज देयर। तो एक बार फटाफट आप जवाब लगा लीजिएगा, अपने कमेंट्स को मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अभी लेट्स चेक इट आउट कि सबसे सही आंसर कौन देने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, फटाफट देखिएगा हुज राइट हियर। डेफिनेटली दिशा ने सिक्स का जवाब दे दिया है, लेकिन चेक ये करना है कि क्या ये सही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ए प्रिंसिपिटिया ने ए लिखा है, 95% मार्क्स देने वाली एसवीपी टॉप करने वाली लड़की ने ए लिखा है डेफिनेटली। और साहिल मलिक डी लिखते हैं, सीमा जांगड़ा यानी कि दीक्षा और शुभम बेटे दोनों बैठे हो ना, बताना एक बार। अक्षय दुबे, आदित्य बी, आदित्य हैं आप तो आपका स्वागत है डियर। और तनु ने ए लिखा है, योगेश शर्मा ने भी ए लिखा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई पोस्ट डिक्शन यानी कि डी जिसने लिखा है, वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके भूतकाल का अंदाजा लगाना कि यहां पर क्या हुआ होगा, उसको पोस्ट डिक्शन बोला जाता है। पोस्ट डिक्शन वर्तमान के हालात देख करके भूतकाल का अंदाजा लगाना, मतलब वर्तमान के हालात देखकर अगर भविष्य का अंदाजा लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो प्रिडिक्शन होगा, वो प्रिडिक्शन होगा, ये पोस्ट डिक्शन है। यानी कि वर्तमान को देखकर इस जगह पर क्या हुआ होगा भूतकाल में, तो उसको पोस्ट डिक्शन बोला जाता है। क्रिजेंडम क्या होता है, यानी कि कोई चीज आप ठीक करते हो, रेक्टिफाई करते हो किसी को, उसको करेक्ट करते हो, ये क्रिजेंडम बोला जाता है। जबकि बात करूं मैं पोस्टेरिटी की, अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है जी फ्यूचर जनरेशंस जो होती हैं उनको पोस्टेरिटी बोला जाता है। और पोस्ट स्क्रिप्ट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट, बिल्कुल ऑप्शन ए। जिन जिन का है अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा, जी हाँ जोड़ लीजिएगा। सर वी आर सिटिंग टुगेदर, दैट्स ग्रेट बेटा, दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। और सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बिल्कुल, फटाफट देखिएगा। और सेवेंथ है ड्राइविंग, ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, बिल्कुल। यानी कि इसके लिए जब मैंने पर्सनालिटीज आपको करवाई थी ए टू जेड, तो वहां पर ये शब्द आया था, यानी कि दूसरों को दुख या पीड़ा देने में जिसको आनंद आता है वो इन चारों में से रिलेटेड एक वर्ड होता है। ये बताऊंगा आपके ये लगाने के बाद। करिजेंडम का मतलब है कोई भी रेक्टिफिकेशन होता है बेटे, कोई भी पब्लिश हो चुकी होती है चीज, यानी कि जैसे मैं अपना नाम ये बदल करके ये कर रहा हूं, आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी देखा होगा करिजेंडम डेफिनेटली।
तो जो रेक्टिफिकेशन होती है दैट इज कॉल्ड करिजेंडम। चलिए, यानी कि जिसको दूसरों को पेन देने में, इन्फ्लिक्टिंग का मतलब इम्पोजिंग होता है, ठीक है, एक तरीके से इम्पोजिंग मानना, तो दूसरों को पेन देने में जिसको मजा आता है उसको क्या बोला जाता है? फोर ऑप्शंस आर राइट हियर। जी बिल्कुल, देख लीजिएगा, सैडिज्म है पहला दो, ठीक है, सैडिज्म है पहला दो, और दूसरा मलेवलेंस है, मलेवलेंस बोला जाता है ये, मलेवलेंस, ठीक है। थर्ड है आपका ये है बिगेट्री, बिल्कुल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मैसोकिज्म, फोर्थ ऑप्शन इज मैसोकिज्म। तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा, आप लोगों ने जवाब लगाना शुरू कर दिया है डेफिनेटली, तो मलेवलेंस लिखा है दिशा ने, अच्छा जी, और सेकंड 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 बी बी, राणा राणा आपका स्वागत है डियर, रमेश लागरा ने भी बी लिखा है, संदीप जांगड़ा बी लिखा है, रविंद्र चहल बी लिखा है, क्या बात है यार, सबने ही बी लिखा है। इसका मतलब तो ये हो गया, आज मेरे पांव जमीन पर नहीं है, आपके भी नहीं लगते मुझे। वर्षा सांगवान इज देयर, वर्षा आपका स्वागत है, दोपहर 2 बजे वाले वैसे आप बिल्कुल गायब थे, चलिए कोई बात नहीं है, सेवंथ का ए लिखा है। इसी के साथ में आपको बता देता हूं, बिल्कुल वर्षा और लक्ष्य का जवाब सही है, सिर्फ वर्षा और लक्ष्य का जवाब सही है। सैडिस्टिक इज अ गाय जिसे दूसरों को दुखी करने में आनंद आता है, ठीक है, और ये जो होता है उसको सैडिज्म बोला जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारा मलेवलेंस है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, उसको मैलिस, हमने एक शब्द याद करा था ना, मैलिस याद किया गया था मालिश करने वालों से, जो मालिश करने वाले होते हैं वो दुर्भावना से ग्रस्त होते हैं, याद किया था या नहीं किया था? तो मैलिस से ही हमारा ये मलेवलेंस बना है, बिल्कुल, मलेवलेंस मैलिस से ही बना है, इलविल जिसको बोली जाती है, बिल्कुल। बिगेट्री हमने याद करा था, और बिगेटनेस होता है यहां पर, यानी कि नैरो माइंडेडनेस जिसको बोला जाता है वो बिगेट्री होता है, बिल्कुल भाई। और मैसोकिज्म आपका लास्ट है, यानी कि मैसोकिज्म एक ऐसी चीज होती है जिस जो अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो इसको एंजॉय कर रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, या किसी को पेन दिया जा रहा है और वो हंस रहा होता है, वो इसको एंजॉय कर रहा होता है, तो उसको मैसोकिज्म बोला जाता है, ठीक है। जो दुखी करने वाला होता है या दुखी करने की जो कला होती है या जो चीज होती है उसको सैडिज्म बोला जाता है, लेकिन जो इसको एंजॉय कर रहा होता है, जिसको दुखी किया जा रहा है, उसको मैसोकिज्म बोला जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेवंथ का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए लॉक कर दीजिएगा सेवंथ का, बाकी चीजें ब्लॉक कर दीजिएगा। चलिए, एट्थ क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार देखिए, एट्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, अ नेम अडॉप्टिंग अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स में कोई नाम वो अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि वो कोई ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर देता है, जैसे अपने स्पोकन इंग्लिश में गोल्डी और खैमला और बिमला है, थ्री कैरेक्टर्स आर राइट है ना, गोल्डी, खैमला और बिमला है, ये मेरी स्पीकिंग में है, ठीक है, और राइटिंग में अगर कोई ऐसे अडॉप्ट कर लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, फटाफट बताइएगा। फोर ऑप्शंस आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, बिल्कुल, टाइटल बोला जाता है, या इसको हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ये नोमेनक्लेचर बोला जाता है बेटे, और निकनेम आपको पता है, बिल्कुल, और स्यूडिनम, पी यहां पर साइलेंट होता है तो स्यूडिनम बोला जाता है, ये स्यूडिनम, स्यूडोनियम नहीं, स्यूडिनम बोला जाता है, ठीक है। तो फोर ऑप्शंस आर राइट हियर, एक बार फटाफट लगा लीजिएगा। दूसरों को दुख से सुखी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सैडिस्टिक होता है बेटे, दूसरों को दुखी करने में जिसको मजा आता है उसको सैडिस्टिक बोला जाता है। अच्छा अच्छा, स्यूडिनम लगा दिया आपने, डी लगा दिया है, अच्छा, फर्स्ट भी लगा दिया है, थर्ड भी लगा दिया है, अरे बेटे सेकंड और बाकी है, सेकंड भी लगा दो, सेकंड और बाकी है, सेकंड भी लगा दो। अच्छा, फोर्थ लगाया है बहुत सारे बच्चों ने, एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि स्यूडिनम इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर डेफिनेटली। टाइटल तो यार, टाइटल शीर्षक होता है यार, किसी भी चीज का, पैराग्राफ का शीर्षक होता है, चैप्टर का टाइटल होता है ना, तो टाइटल तो शीर्षक होता है, बिल्कुल। नोमेनक्लेचर जो होता है वो क्या होता है, ये हमारी वोकैब होती है, वोकैबुलरी, बिल्कुल, जॉर्गन भी बोला जाता है ये, नमैन क्लेचर जॉर्गन भी बोला जाता है, और हमारी वोकैबुलरी बोली जाती है। निकनेम क्या होता है, जो किसी का निकनेम क्या होता है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, उपनाम, पेट नेम होता है किसी का,
तो किसी का नाम जैसे प्रीति है, सपोज करो प्रीति को घर पे प्री कहने लग जाते हैं, निकनेम हो गया उसका, है ना। लेकिन ये भी कई बार ऐसा होता है कि नाम कैसा ही होता है और भाई लड़का लड़की कैसे ही होते हैं, ये भी चल हो जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए, तो भाई स्यूडोनिम इज द राइट आंसर। स्यूडोनिम जो है वो अपना एक अडोप्टिंग एक नेम होता है, अ नेम अडोप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स इज कॉल्ड स्यूडोनिम। बिल्कुल। नाइन जो हमारा क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार देख लीजिएगा। टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग अ स्केर्ड और हॉली, सेक्रेड और हॉली, स्केर्ड आ गया, ये सेक्रेड होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, सेक्रेड पवित्र होता है, यहाँ पर स्केर्ड आ गया है तो गलती से, यानी कि कोई पवित्र चीज होती है और उसके बारे में डिसरेस्पेक्टफुली बात करना क्या कहलाता है। तो सेक्रेड होना चाहिए था, यहाँ पर स्केर्ड आ गया है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। 10th का भी आ जाएगा, 10th का भी आ जाएगा। अरे बेटे आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ है। हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ प्रिंसी बेटा, आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं। डेफिनेटली मेरे पास आपकी पिक नहीं थी, अदरवाइज मैं आपकी पिक अपने व्हाट्सएप पे लगाता और यहाँ लगाता, फेसबुक पे लगाता। डेफिनेटली पिक अपने सेंड कर दीजिएगा मुझे, सर और मैडम को बोलिएगा, डेफिनेटली मेरे पेज पे और मेरी फेसबुक आईडी पे, हर जगह प्रोफाइल पे लगेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने यहाँ पर जवाब लगाना शुरू कर दिया है, तो अभी देखते हैं इसका भी डी लगा दिया है। वल्गैरिटी, प्रभु उठा लो, धरती खतरे में है, वल्गैरिटी मारो राम जी, काफी दिनों के बाद आए मारो राम जी, तो रूडनेस। वाह, ऐसी ऐसी बातें मत करा करो, मुझे वो बिहार के टॉप पर याद आ जाती है। नंबर तो 100% है लेकिन रियलिटी सबको पता है। टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड अ ब्लास्फेमी, बोली जाती है मेरे बच्चे। बिल्कुल, संदीप जांगड़ा ने ए लगाया, ए इज द राइट आंसर। अरे योगेश शर्मा भाई, 9th का 4th लगा दिया है। वल्गैरिटी क्या होती है? अश्लीलता होती है, वो अश्लीलता होती है भाई। वल्गैरिटी इज कॉल्ड अश्लीलता, रूडनेस यानी कि रूडली किसी को बोला जाता है ना, वो रूडनेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अबसेनिटी बोला जाता है, ये ऑब्सेनिटी नहीं, अबसेनिटी बोला जाता है। अबसेनिटी भी एक तरीके से हमारी वल्गैरिटी होती है, अबसेनिटी भी टॉक ऑफेंसिवली, ठीक है, वल्गैरिटी होती है, ये भी एक तरीके से। ब्लास्फेमी इज कॉल्ड द राइट आंसर, डेफिनेटली ब्लास्फेमी बिल्कुल सही जवाब है। 10th मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हे मारो राम जी। थैंक यू दिशा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसके बाद जो हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो हमारे पहले वाले सेट्स का करेंगे। और देखिएगा आपके लिए 40 सेट्स मैंने तैयार कर रखे हैं, इस तरीके से 40 की बजाय 41 सेट्स तैयार कर रखे हैं। अभी जब मैं इसको हटाऊंगा तो आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आएगा, देख लीजिएगा। इतने सारे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लॉकडाउन है जो ये, यानी कि स्कूल हम जा नहीं रहे हैं लेकिन आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजिली, देखिएगा अंडरस्टूड की बात हुई है, ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। तो एलिजिबल है पहला, तो सारी बातें अगर मैं बताऊंगा तो आपको बड़े आराम से ये समझ आ जाएगा, मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा। क्वेश्चन का नंबर साथ में जरूर लिखिएगा। 10th की बात कर रहे हैं हम, जी बिल्कुल 10th की बात कर रहे हैं। अनइंटेलिजिबल, ठीक है, अननोन, अनडिसाइफरेबल, अनडिसाइफरेबल 4th है हमारा, तो एक बार फटाफट बताइएगा। 4th ऑप्शन, ऑप्शंस आर राइट हियर, एक बार फटाफट लगा दीजिएगा। प्रिंसी बिटिया ने डी लगा दिया है। अच्छा जी, वंश मलिक ने अभी स्वैग सैल्यूट और राखी ने भेजा है, तो थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। साहिल मलिक डी लगाते हुए, अच्छा, बहुत बढ़िया, गुरुजी खुश हुए, क्या बात है क्या बात है। चलिए लेकिन बाकी लोगों को देखते हैं वो क्या लगाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है कि स्कूल क्लोज हैं, कोई बात नहीं, स्कूल क्लोज हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्कूल क्लोज हैं कोई बात नहीं, स्कूल जब खुलेंगे तो ट्रस्ट मी, जो टीचर्स लोग हैं ना, जो स्कूल हैं बेटे, वो डबल ट्रिपल फोर फोल्ड मेहनत करेंगे, और वो उससे कहीं ज्यादा मेहनत अब कर भी रहे हैं,
ऑफलाइन क्लासेस में इतना इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स को आई है। अरे वो टीचर्स लोग जिन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था और आपके लिए उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना सीखा है। मैंने भी कभी ऑनलाइन इस तरीके से नहीं पढ़ाया था। ये सारी सुविधाएं जुटाई हैं, ये सारी आपके एक सेशन देने से पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है बेटे। जबकि ऑफलाइन क्लासेस में सिंपली हम बेधड़क होकर क्लास में जाया करते हैं, पढ़ाया करते, वहाँ पर टू साइडेड कम्युनिकेशन था, यहाँ पर वन साइडेड कम्युनिकेशन है। चलिए चलिए हमें खुद ही बोलना पड़ता है, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है, जबकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को देख करके मोटिवेशन आता है। तो यानी कि हर चीज़ के अंदर जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो निकालो। बिल्कुल नई चीज़ें सीखने को मिली हैं और ये कोरोना की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज हमें क्या पड़ी थी। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बी पॉजिटिव, कम ऑन बी पॉजिटिव। टेंथ का फोर्ट लगा दिया है योगेश शर्मा और लक्ष्य ढाका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लोज ही रहने दे। अच्छा मजा आ गया क्या, स्कूलों को क्लोज ही रहने दे। अच्छा सुमन नरवाल ने सेकंड लगा दिया है। डेफिनेटली आपके टीचर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। और हाँ, मैं टीचर नहीं हूँ, हम छोटा सा ट्रेनर, यानी कि आपके टीचर्स के पैरों की धूल भी नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रेंक। सो मेरा उनको भी मेरा भी प्रणाम भेजना और आप लोग खुद भी प्रणाम करना उनको, अपने अपने टीचर्स को। चलिए चलिए चलिए, काम डाउन। हाँ काम डाउन हो गया हूँ तनु बेटे। तो इलेजिबल है, अनइंटेलिजिबल है, अननोन है, अनडिसाइफरेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज योर राइट आंसर बेटे। जो पहला होता है इलेजिबल, यानी कि जो अच्छे तरीके से पढ़ा ना जा सके वो इलेजिबल था, वो इलेजिबल था। ये अच्छे तरीके से समझा ना जा सके है तो इलेजिबल तो होगा नहीं। और अनइंटेलिजिबल की बात करें तो अनएक्सप्लेनेबल जो होता है उसको अनइंटेलिजिबल बोला जाता है, अनएक्सप्लेनेबल। ठीक है, अननोन आपको पता है, अननोन अननोन होता है भाई। अनडिसाइफरेबल जो होता है, undecipherable जो होता है वो क्या होता है, that which cannot be understood easily is called undecipherable। ठीक है, तो 10th का 4 को लॉक कर दीजिएगा। और अभी एक बात बताइएगा, whether you would like to go for a recap or on screen test के लिए मैं दूसरा सेट निकालूंगा, फटाफट बता दीजिए। अरे दिशा दिशा, You have always been one of my most favorite students. Thank you, beta Princey. Thanks a lot. Thank you, Tanu bete. Thank you. Oh, Disha. Thank you. चले, मेरी प्रशंसा काफी हो गई है और मक्खन भी काफी लगाया जा चुका है। एक बार मुझे फटाफट ये बताइए, रिकैप करने की जरूरत है या ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए दूसरा सेट निकाल लूं, फटाफट बताइएगा। थैंक यू डियर वंश, थैंक्स अ लॉट। टेस्ट फास्ट, क्या बात है, जियो जियो, दिस इज कॉल्ड द पैशन, दिस इज कॉल्ड द, हाँ लड़कियों को तो फैशन सुना होगा अब भी है। थैंक यू लक्ष्य, थैंक्स अ लॉट। चलिए डियर्स, अभी हम लोग चलते हैं हमारे किसके लिए, हम लोग चलते हैं जल्द ही आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं मैं। बिल्कुल जी, टेस्ट के लिए लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए चलते हैं और आपकी स्क्रीन पे अभी आ गए हैं, बस लग ही गए हैं। आज चलेंगे हम किसके लिए, सेकंड के लिए। बिल्कुल देखिएगा, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं टेस्ट के लिए। यानी कि आज मैं बिल्कुल भी आपको रिकैप नहीं करवाने वाला हूं इनका, और आपको डायरेक्टली मुझे आंसर बताना होगा। हालांकि मैं चारों को आपको एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, ध्यान से देखिएगा। द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ, हाउस या शेल्टर फॉर अ काउ इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोला जाता है, एक बार फटाफट आप मुझे बताइएगा। ओ यार ऐसी ऐसी हरकतें मत करा करो, जब ये लाइव हमारा चल रहा होता है आप लोग यहाँ कॉल पे कॉल करते रहते हो। ये देखिए, एक बार फटाफट आप मुझे बताइएगा।
द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ, फोर वर्ड्स आर राइट हियर, बायर है, डेयरी है, कैनल है, फोम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा, आंसर लगा लीजिएगा। लेट मी रिफ्रेश माय कमेंट्स फर्स्ट। अरे क्या बात है, डेयरी आपने बोल दिया है, डेयरी आपने बोल दिया है। बायर का मतलब क्या होता है, बायर का वो बाड़ा बोला जाता है, बाड़ा होता है ना, बिल्कुल, तो बायर इज कॉल्ड अ बार्न, बार्न जिसको बोला जाता है। बी आपने लगाया, बहुत ही बढ़िया लगा दिया, बहुत ही बढ़िया लगा दिया वर्षा, डेफिनेटली बी इज द राइट आंसर। डेयरी गाय या भैंस के लिए हाउस और शेल्टर होती है डेयरी। कैनल जो होता है, ये कैनल एक्चुअली डॉग्स के लिए होता है, शेल्टर फॉर डॉग्स इज कॉल्ड कैनल। और फॉर्म जो होता है, इट इज अ विजिबल शेप और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्म, विजिबल शेप और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्म। जी बिल्कुल, सेकंड इज द राइट आंसर, डेफिनेटली मनोज सही जवाब आपने लगाया है। समीर बेटे बहुत ही बढ़िया लगाया है आपने जवाब। अरे यार बोल दिया बोल दिया। राना राना डेफिनेटली आपका स्वागत है डियर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, एन इनक्लोजर एडजॉइनिंग अ रेस कोर्स, कोर्स बोला जाता है बेटिए, कोर्स नहीं बोला जाता, कोर्स बोला जाता है, वेयर हॉर्सेज आर कैप्ट बिफोर रेसिंग इज कॉल्ड व्हाट, बूथ, रील, पैडक या व्यूअर, ईयूअर बोला जाता है, ये ईयूअर बोला जाता है, फोर्थ ऑप्शन। सो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा और साथ में आप लोग जेआईबी जिब, हाँ, सो एक बार फटाफट आप बताइएगा, साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर साथ में जरूर लिखिएगा। थैंक यू डियर। पैडक, क्या बात है, क्या बात है, जियो जियो जियो, पैडक आपने यहां लगा दिया है, लेकिन देखना ये क्या ये सही है या गलत है। पैडक इज कॉल्ड, यू नो व्हाट, पैडक क्या क्या होता है, पैडिक बोला जाता है एक्चुअली, ये पैडक इज कॉल्ड व्हाट, सेकंड का बी। According to me, creel is the right answer. लेकिन जो paddock होता है वो grassland होता है, वो grassland होता है, horses के लिए grassland होता है, definitely horses के लिए वो grassland होता है, जहां पर घोड़ों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये adjoining enclosure है, adjoining enclosure है, तो ये creel होना चाहिए मेरे हिसाब से, creel होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन creel नहीं, creel नहीं, क्रील तो एक्चुअली मछली वछली पकड़ने के लिए जालीदार, कोई आपने देखा होगा ना जिसके अंदर मछलियां वगैरह रखी जाती हैं, पानी वानी टपक जाता है, मछलियां वहीं पर रह जाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रील। यानी कि पैडक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ना 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 ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खुशी आपका स्वागत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बूथ, बूथ क्या होता है, कोई हमारा बूथ होता है यार, किसका मिल्क बूथ होता है या अमूल के बूथ लगे होते हैं, बूथ बूथ होता है, कोई सामान बेचने के लिए एक हमारा छोटा सा स्टॉल लगा होता है, दैट इज कॉल्ड बूथ। क्रील मैंने आपको बता दिया है, मछली मछली पकड़ने के लिए एक जालीदार हमारी टोकरी सी होती है, बास्केट होती है, दैट इज कॉल्ड क्रील। पैडक इज द राइट आंसर। ईयूअर की बात करें तो ये एक तरीके से पिक्चर होता है या जग होता है, पिक्चर टाइप होता है, घड़े टाइप या जग टाइप होता है, और कहीं इसको यार सुराही ना कहते हो, कुछ ऐसा ही होता है ना, यूअर। तो देखिए एक बार फाइंड आउट जरूर करिएगा। साहिल मलिक, हाउ कैन इट बी पॉसिबल डियर, चलिए सेकंड का सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लग चुका है। द हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, द हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी इज कॉल्ड व्हाट, एक बार फटाफट बताइएगा मुझे। The house or shelter of a gypsy, फटाफट एक बार बताइएगा। Kennel के बारे में अभी ये हमारा पहला जो question आया था उसके अंदर option आया था, ये shelter होता है dogs के लिए होता है। Burrow is called a hole, जो कि खोद दिया गया है by किसी creature, जमीन के अंदर किसी प्राणी के द्वारा hole खोद दिया जाता है, उसको burrow बोला जाता है। कॉन्वेंट का आपको पता है, स्कूल्स वगैरह होते हैं, कॉन्वेंट होते हैं हमारे। और खेरावन इज कॉल्ड वैगन ट्रेन या शेल्टर ऑफ जिप्सी इज कॉल्ड खेरावन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। थैंक यू दिशा, थैंक यू। थर्ड का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है।
थर्ड का फोर्थ कैसे लगा दिया योगेश? हैं थर्ड का बी, बिल्कुल वर्षा सही लगाया भाई। कैरावन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वन हु नेवर डाइज इज कॉल्ड व्हाट? थोड़े से ध्यान से जवाब दीजिएगा। वन हु नेवर डाइज इज कॉल्ड व्हाट? जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोला जाता है? जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोला जाता है? वंश ने जवाब लगा दिया है सेकंड, थर्ड का बी, राणा राणा ने बिल्कुल सही लिखा है। जियो डियर रमेश लाकड़ा बी डेफिनेटली। अरे यार फोर्थ का पूछा अभी मैंने, अभी फोर्थ का, साथ में एक क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। प्रिंसिपल इंडिया ने फोर्थ का ए लिखा है, थर्ड थर्ड बाकी रह गया क्या? नहीं हो गया, कैरावन बोला जाता है यार, बी थर्ड का बी हो गया है। फोर्थ का दीक्षा और शुभम ने लगा दिया है ए, लक्ष्य डाका ए, फोर्थ का ए साहिल मलिक, मनोज फोर्थ का ए, समीर बेटे फोर्थ का ए लगाया है आपने, वर्षा ए, वंश मलिक ए। एक्चुअली रुकिएगा मेरे पास अभी नवित, हाईएस्ट जो आए हैं वो आपको बता देता हूं मैं। हाईएस्ट मार्क्स जो अभी मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है एक लिस्ट, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूं, हाईएस्ट मुझे अभी तक 97 नजर आ रहे हैं। इसमें से एक और मेरे पास पिक आई है तो वो भी देख लेता हूं मैं। 97, ओ यार चार बच्चों के 97 दिखे मुझे तो, क्या बात है क्या बात है। 97 हाईएस्ट आए हैं भाई। चलिए 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 बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोगों ने जवाब लगा दिया, आई होप सो, और इमोर्टल इज द राइट आंसर। इमिटेट करना, किसी की नकल करना बोला जाता है। ऑनरेरी वर्क क्या होता है? जहां पर आपको पेमेंट नहीं मिलती है, क्या जहां आपको पेमेंट नहीं मिलती है काम की, वो ऑनरेरी वर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ डेफिनेटली समीर आपका जवाब मेरे पास आ गया है यार। फोर्थ का ए इज द राइट आंसर और नन आप लोग समझते ही हैं अच्छे तरीके से। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, एक बार देखिएगा। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू तनु, थैंक यू। दैट विच कैन बी ब्लोटेड आउट, ब्लोट आउट का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ये बता दिया तो इसके अंदर आपका ऑप्शन है। दैट विच कैन कैन बी ब्लोटेड आउट, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार ऑप्शंस आप लगा लीजिएगा, मैं अपने 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 कमेंट्स को एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन डेफिनेटली यार, आप लोगों के बगैर सेलिब्रेशन कैसे होगा? डेफिनेटली डेफिनेटली ऑब्वियसली बिल्कुल भाई, देखिएगा। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। यार थोड़ा सा विषय से हट जाता हूं तो आपके ये आंसर्स आने बंद हो जाते हैं। दैट विच कैन बी ब्लोटेड आउट, बताइएगा। बिल्कुल, अरे ब्लोट आउट का मतलब क्या होता है? डिलीट करना होता है। दैट विच कैन बी डिलीटेड, बस ठीक है। डेलिबल, एलिजिबल, लीगल, इलीगल। तो एलिजिबल बैचलर होता है जो सारे ही आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करता हो, वो एलिजिबल होता है, ठीक है। लीगल वैध होता है, इलीगल अवैध होता है, और बचा क्या? डेलिबल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेलिबल इज द राइट आंसर, डेफिनेटली आपके जवाब आ गए हैं एकदम से, और सबने ही फिफ्थ का ए लगाया है। बिल्कुल मनोज रिसामिया, मेरे छोटे भाई का कमेंट आया है, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है। श्योर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। राजेश रिसामिया टॉक्स को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लगा लीजिएगा, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट है जो यहां तक ले आया है, और थैंक यू फॉर टू ईच एंड एवरीबडी हु सर्व इज देयर विद मी, थैंक यू डियर्स। अ नंबर ऑफ बीज लिविंग इन द सेम प्लेस इज कॉल्ड, अ नंबर ऑफ बीज लिविंग इन द सेम प्लेस इज कॉल्ड, क्या? फटाफट बताइएगा। तनु मेरे पास आपने वीडियो सेंड की थी, वीडियो मैंने देखी जरूर होगी,
डेफिनेटली अगर आपका मैसेज मैंने सीन कर लिया था तो आपकी वीडियो भी जरूर देखी होगी। फिफ्थ का ए आपने लगा दिया था, डेफिनेटली सिक्स्थ का भी एक बार लगा दीजिएगा। सिक्स्थ का ऑप्शन ए बी सी और डी, ट्रूप स्वॉर्म हाइव और बबी। बबी इज कॉल्ड व्हाट? बबी पिकॉक्स का नंबर होता है, झुंड होता है, बबी बोला जाता है। हाइव ये सिंपल है यार, हाइव हमारा आज वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल जो आपका छत्ता होता है बीज का वो क्या होता है, हाइव कहलाता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। स्वॉर्म जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ मूविंग टुगेदर, लार्ज नंबर ऑफ मूविंग टुगेदर इज कॉल्ड स्वॉर्म बोला जाता है। ट्रूप अगर बोले तो टुकड़ी होती है, खास करके ये सेना की होती है। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड व्हाट? फटाफट जवाब दीजिएगा। सेवेंथ का इट इज क्वार्टर टू टेन और हमारा टाइम भी फटाफट होने वाला है। थ्री क्वेश्चंस आर लेफ्ट आफ्टर दिस सेवेंथ, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखेगा डियर्स। सेवेंथ का कौन सा ऑप्शन, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल, पॉसी, बॉर्ड, गैंग या हाइव? हाइव तो होगा नहीं, है ना? और पॉजी क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ एसोशिएट्स होता है। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड सिंपल एक राफ्टर होता है यार, है ना? लेकिन बोर्ड हमारा शिक्षा वाला बोर्ड भी तो होता है ना, सीबीएसई भी होता है, एचबीएससी भी होता है ना, एजुकेशन का बोर्ड होता है। चलिए, सेवंथ का सी आपने लगा दिया। पॉजी किसने बोल दिया यार? पॉजी ग्रुप ऑफ एसोशिएट्स होता है, अभी बताया मैंने। सेवेंथ का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गैंग जो होती है ना वो स्लेव्स की भी होती है और डाकू गुंडों की भी गैंग होती है। बिल्कुल भाई, गैंग और भी कईयों की होती है, तो यहां पर पॉजी के बजाय गैंग इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एट आ गया, ध्यान रखिएगा इसके अंदर पक्का आप लोग गलती कमिट करोगे, मैं आपको बता रहा हूं पहले। पीपल टुगेदर फॉर सेम पर्पज और कोज, पीपल हु हैव गॉट टुगेदर फॉर सेम कोज और सेम पर्पज, सेम कोज और सेम पर्पज बताइएगा। पोजी होता है अ ग्रुप ऑफ एसोशिएट्स, बिल्कुल हाइव छत्ता होता है भाई। एट्थ में पक्का मिस्टेक करोगे, और जब ये स्टार्टिंग में मैंने करवाई थी तब भी आपको बताई थी। थ्री आर लेफ्ट और आठवें के दस हैं, बस दस हैं। एट्थ आ गया तो देखिएगा एट्थ के बाद में टू टू ही लेफ्ट हैं। होस्ट और दिशा, क्या बात करी है, क्या बात कर दी है ये। होस्ट का पता है, होस्ट कौन होता है? अरे शो होस्ट करने वाला, नहीं सुना है? अतिथि पे है ना, एक गेस्ट होता है दूसरा होस्ट होता है, होस्ट कैसे हो गया? फॉर सेम पर्पस, फॉर सेम पर्पस, सी आपने लिखा है, सी आपने लिखा है। मैंने आपको बोला था आप बिल्कुल गलत लिखोगे, आप बिल्कुल गलत लिखोगे। अरे टीम में यार सारे बंदे सेम ग्रुप में होते हैं, सेम पर्पस के लिए थोड़े ना होते हैं। क्रिकेट की टीम है, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, फील्डर्स भी हैं, क्या सारे के सारे बॉलिंग करने के लिए होते हैं? सारे के सारे बैटिंग करने के लिए होते हैं? उसमें बैट्समैन पांच छह होते हैं यार, बॉलर्स होते हैं, कोई कीपर होता है, फिर तो वो एक ग्रुप में होते हैं, सेम ग्रुप में होते हैं, लेकिन सेम पर्पस के लिए नहीं होते हैं, तो टीम नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है वो कोटरी है, वो कोटरी है। कैसे? किसी दंगा हो गया है, दंगा हो गया, दंगे के अंदर बहुत सारे आदमी इकट्ठे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनका पर्पस एक है तोड़फोड़ करने, उनका पर्पस एक है तोड़फोड़ करने। दंगे के बीच में कोई आदमी उनको समझाने के लिए खड़ा नहीं होता है, गेटिंग माई पॉइंट? तो कोटरी इज द राइट आंसर। तो वो समझाने के लिए आदमी खड़े हो जाते हैं, वो अपने अपने मीडियम से उनको समझाते हैं, उनके बीच में जाकर के नहीं समझाते वो। और अगर उनके बीच में वो चले भी गए हैं तो यानी कि
सेम ग्रुप में इकट्ठा होने वाला तो टीम होता है, लेकिन सेम पर्पस के लिए इकट्ठा होने वाला कोटरी होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ड्रोप की अगर बात करें, ड्रोप की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा गांव में पशुओं को ले जाते हैं एक रास्ते से, कच्चे रास्ते से, है ना, तो उसको ड्रोप बोला जाता है, उसको ड्रोप बोला जाता है। एक तरीके से हमारी कच्चा रास्ता होता है, पगडंडी होती है, एक दो चीज और भी वर्ड्स इसके लिए यूज कर दिए जाते हैं। तो यहां पर कोटरी इज द राइट आंसर, एट का कोटरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, द होम ऑफ लायन इज कॉल्ड व्हाट। बिल्कुल ये बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़े से ध्यान से देखिएगा। एट का बी बिल्कुल सही जवाब है भाई, एट का बी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द होम ऑफ अ लायन इज कॉल्ड ड्रे, फ्रॉम, डेन या नन। यहां पर देखिएगा, ड्रे इज कॉल्ड व्हाट, एक तरीके से स्लेज हैमर इज कॉल्ड ड्रे। स्लेज हैमर आपने देखा होगा, जो कई बार आपने जिम वगैरह में देखा होगा लोगों को वो हैमरिंग करते हुए, वो एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लेज हैमर। ट्रिपल एच को देखा होगा आपने WWE में, स्लेज हैमर लेकर के, ठीक है बिल्कुल। फ्रॉम का मतलब आउट ऑफ होता है, आउट ऑफ ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। डेन की बात करें तो डेन इज द राइट आंसर। दो रॉक्स के बीच में कुछ जगह बना दी जाती है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स रेस्ट करते हैं, खासकर शेर के लिए यूज की जाती है, मांद जिसको बोला जाता है। और नन आप समझते हो, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। लास्ट का क्वेश्चन आ गया भाई, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वन हु फीड्स ऑन फ्रूट, और फ्रूट्स नहीं बोला जाता, ये फ्रूट बोला जाता है। वन हु फीड्स ऑन फ्रूट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रूटेरियन, कैनिबल, रिक्रूट और नन। बताइएगा फटाफट, बताइएगा रिक्रूट या नन। हैमरोन टायर, या डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेन इज द राइट आंसर। चलिए डियर्स, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा और डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है। 10th क्वेश्चन के लिए आपने ए यहां पर लगा दिया है, बिल्कुल यार सबने ही ए लगा दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रूटेरियन इज द राइट आंसर डेफिनेटली, जो फ्रूट के ऊपर ही रहता है, प्योर शाकाहारी होता है, शाकाहारी, लेकिन वो फ्रूट ही खाते हैं जो, है ना, फ्रूटेरियन बोला जाता है। कैनिबल इज कॉल्ड नरभक्षी, यानी कि नरभक्षी, यू अंडरस्टैंड, नरभक्षी। रिक्रूट आपने देखा होगा, नए नए रंगरूट होते हैं, जो नए नए जिनका फौज की भर्ती में नाम आ जाता है, रंगरूट बोले जाते हैं, रिक्रूट होते हैं। और नन का मतलब कोई नहीं, नन का मतलब कोई नहीं होता है डेफिनेटली। तो गेटिंग माई पॉइंट, तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है फ्रूटेरियन। क्या है फ्रूटेरियन, क्या जी बिल्कुल सही जवाब है फ्रूटेरियन, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड एक बार फटाफट अपना स्कोर बता दीजिएगा आप मुझे, एक बार फटाफट स्कोर बता दीजिएगा, उसके बाद में बाइंड अप करने वाले इंडियस, डेफिनेटली एक बार स्कोर बता दीजिएगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है भाई, यू गाइस आर पुटिंग पुटिंग नो स्टोन अनटर्न्ड डेफिनेटली। साहिल मलिक एक गलत है, कोई बात नहीं यार, एक गलत है, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन आपने काफी अच्छा करा है। ये मत सोचे कि आपका एक गलत है, ये सोचे कि आपके नो ठीक है, एक गलत कोई बात नहीं, नो तो ठीक है ना। मैं हमेशा आपसे ये पूछता हूँ यार कितने गलत हैं, मैं आपसे स्कोर पूछता हूँ, आप हमेशा ये कहते हो ये गलत है, आप ये क्यों नहीं कहते कि इतने ठीक हैं। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। ये कुंज है, दूसरा लब्बे है। जी, थैंक यू तनु, थैंक यू। चलिए बेटा, वेल इट वॉज ऑल अबाउट माई टूडे सेशन, सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश ब्रसामी राइट हियर, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो एट 2 PM for antonyms and synonyms, for the time being all the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you tomorrow at 2 PM for the time being all the same. May luck smile on you, have a nice time, take care, thank you, that's it for today's session, take care, thank you.